हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आप क्या है कि प्रिपरेशन करते हो कोटा में रह के या फिर कहीं भी ऑफलाइन करते हो, बट आपकी प्रिपरेशन उतनी शानदार नहीं हो पाती है टेस्ट की वजह से। कई बार क्या होता है कि लोग ऑफलाइन टेस्ट तो देते हैं बट उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है कि कहीं रिजल्ट कहीं पर जाए, पेरेंट्स के पास जाए। तो उसके लिए क्या करना है कि आप एडिशनल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो रिजल्ट रहेगा वो आप अच्छे से देख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को एनालिसिस कर पाओगे। ये जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में डिटेल में मैम आपको बताऊँ। तो नीट सारथी आप सभी के लिए लेकर आया है नीट लक्ष्य 2023 टेस्ट सीरीज, जो कि एनटीए बेस्ड टेस्ट सीरीज होगा। 28 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज है। तो सर, आप इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए। हाँ, ये जो टेस्ट सीरीज है, हमने इस टेस्ट सीरीज को दो सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारा नीट का जो सिलेबस है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस। तो इस टेस्ट सीरीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो हमने टेस्ट लिए हुए हैं, जिसमें हमने 12 नंबर ऑफ टेस्ट लिए हुए हैं पार्ट वाइज टेस्ट। इस पार्ट वाइज टेस्ट में क्या रहेगा कि हम या तो केवल 11th के उसमें पोर्शन होगा और केवल 12th का पोर्शन होगा। इस तरीके से पार्ट वाइज टेस्ट पेपर लेने से हमारी प्रिपरेशन का सही ट्रैक हमें मिल जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और किस टॉपिक्स में हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ हमारी वीकनेस है। सर, इसका मोटिव क्या है? पार्ट वाइज का मोटिव ये है कि हमारी एक्चुअली जो प्रिपरेशन होती है उसमें हम अगर मिक्स पेपर बना देते हैं तो हम लोगों को पेपर में कुछ स्कोर आता है, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चलता कि हमारे कौन से टॉपिक अच्छे रह गए और कौन से टॉपिक मेरे खराब रह गए। तो उस चीज़ के लिए हमने केवल 11th के कुछ टॉपिक, जैसे 5 टॉपिक 11th के लिए हैं और 5 टॉपिक केमिस्ट्री से 11th के लिए हैं, 5 टॉपिक फिजिक्स से लिए हैं, 5 टॉपिक बायोलॉजी से लिए हैं। तो एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि इन 5 टॉपिक हमारे के स्कोर से कि ये टॉपिक्स हमारे कैसे हैं और हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उस बेसिस पे हम अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सर, आपने जो फुल सिलेबस, इसका फुल सिलेबस टेस्ट जो लिया है, इसको भी दो सेगमेंट में बांटा हुआ है। एक मेजर टेस्ट है, एक सेमी मेजर टेस्ट है। दो सेमी मेजर टेस्ट इसमें रखे गए हैं। पहले सेमी मेजर टेस्ट में हमने सारा 11th का सिलेबस लिया हुआ है, मतलब पूरी 11th की केमिस्ट्री, 11th की बायोलॉजी और 11th की फिजिक्स। और जो 12th का सेमी मेजर टेस्ट है उसमें पूरा 12th का सिलेबस लिया हुआ है, 12th की केमिस्ट्री और 12th की बायोलॉजी और 12th की फिजिक्स। एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मान लीजिए अभी कोरोना का वो आ रहा है, उसमें अगर मान लीजिए टेस्ट एक्सटेंड होता है थोड़ा सा नीट का, उसमें बच्चों को प्रॉपर टेस्ट दोगे? हाँ बिल्कुल, अगर कोरोना की वजह से कोई टेस्ट नीट की टेस्ट पोस्टपोन होती है, जो एक्चुअली पार्ट वाइज टेस्ट का शेड्यूल बनाया गया है, ये नीट की अभी जो अनाउंस टेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन अगर टेस्ट में कुछ एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है या कुछ ऐसा होता है, तो जब तक आपके सारे पेपर्स नहीं हो जाते हैं, नीट का पेपर नहीं हो जाता है, तब तक हम इसी तरीके से बच्चों के साथ आप डटे रहोगे? बिल्कुल डटे रहेंगे और उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल टेस्ट पेपर की वजह से इम्प्रूव होती रहेगी और अपना स्कोर इम्प्रूव करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये पार्ट वाइज टेस्ट के बारे में सर ने तो बहुत अच्छे से बता दिया, अब इसके अलावा आप क्या दे रहे हैं? इसके अलावा हम लोग शेड्यूल टेस्ट के अलावा आप लोगों को दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पूरी टेस्ट सीरीज को अच्छी तरीके से अपीयर करने के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, बेसिक क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है, उन क्वेश्चंस का यहाँ पर बिल्कुल सेट लेकर आए हैं। और कितना सेट लेकर आए हैं? सेट लेकर आए हैं 300+ डीपीपीज हैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, बायो की हो गई, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के जितने भी इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं उन सभी के यहाँ पर टेस्ट होंगे। और ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन मिल गए, 25 क्वेश्चन मिल गए, कम से कम आपको 100-100 क्वेश्चंस हर चैप्टर वाइज के यहाँ पर मिलेंगे, जो कि क्या होंगे 200+। अब 200+ कैसे हो गए भैया? फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायो होगी, सबको मिला के सबके चैप्टर वाइज यहाँ पर टेस्ट बना दिए गए। ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई कमजोर चैप्टर है, कोई लेस क्या बोलते हैं उसको, नंबरिंग का क्वेश्चन है या मतलब 3-4 नंबर का आया हुआ है उसका नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। सबको यहाँ पर इंक्लूड कराया। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की बात करूँ, बायो मोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स हैं तो वहाँ पर उनके भी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे और क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ के साथ यहाँ पर इस लक्ष्य नीट 2023 के लिए हम यहाँ पर एक जो मेन चीज़ लेकर आए हैं आपके पास, PYQ सेक्शन लेकर आए हैं। PYQ यहाँ पर 12 साल के मिलेंगे, न कि 4 या 5 साल के जो भी मिलते हैं। आप कोई भी बुक क्लेट खरीद लीजिए, कोई भी मॉड्यूल देख लीजिए, तो ऐसा नहीं है, यहाँ 12 साल के कंसाइजली आपके पास PYQ लेकर आए हैं। किसके? नीट के। पहले AIPMT हुआ करता था, तो AIPMT इंक्लूडेड आपके पास जो अभी नीट चल रहा है NTA सिलेबस के हिसाब से, NTA के अनुसार 12 साल के आपको PYQ यहाँ पर मिलेंगे और फुली सॉल्व मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चंस दे दिए, उठा के दे दिए, डाल दिए कहीं से भी, ऐसा नहीं है। पूरा हिंट्स एंड सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, कहाँ पर
ऐप और वेबसाइट के ऊपर, और बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। आ जाता हूँ मैं अब, ठीक है। तो सर ये अपने फ्री बता दिया, अभी जो अपने ये तीसरी ला रहे हैं उसका क्या कॉस्ट होने वाला है? इसका कॉस्ट बिल्कुल एकदम आपके पॉकेट फ्रेंडली है। पॉकेट फ्रेंडली कितना हो गया, ऐसा नहीं है भाई कि 100 रुपये 50 रुपये में, बिल्कुल कम नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर आप उसकी अहमियत नहीं समझेंगे। हम इसको लेकर आए हैं 1499 के अंदर, और 1499 के अंदर भी हमने आपको इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट दिया है जो कि है 999 का। मैम डिस्काउंट वगैरह के बारे में सर ने तो बता ही दिया, अब इसका टाइमिंग क्या होने वाला है? 28 दिसंबर से हर वेडनेसडे को मीनवाइल 9 AM टू 9 PM आप कभी भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा कोई 8 घंटे पे टेस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो 9 PM पे वो टेस्ट एंड हो जाए? बिल्कुल, वो 9 PM तक कभी भी टेस्ट शुरू कर सकता है और 3 आवर्स के बाद वो कम्प्लीट हो जाए, एंड हो जाए। और इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट सेम डे 12 o'clock इसका रिजल्ट आपके सामने। मैम टाइम के बारे में तो मैम ने बता दिया, और आप बता दो अगर बच्चा कोई एनालिसिस करना चाहे टेस्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ डेमो है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, ऐप और वेबसाइट दोनों पर आपके लिए एक फ्री डेमो टेस्ट है जो कि आप 28 दिसंबर से पहले और आज से अभी से कभी भी टेस्ट को दे सकते हैं। तो इस टेस्ट का अगर आप वेबसाइट और ऐप पे देना चाहोगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगा, वहां से आप जाके विजिट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट बच्चों।